हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इन यूएसए। ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे हो गया, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। जब लास्ट टाइम मैंने एक लाइव वीडियो किया था पलक के साथ, तो कमेंट सेक्शन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली लोग पूछ रहे थे। तो आज के वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हाउ यू कैन गेट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इन यूएसए। ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो अभी स्टूडेंट हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अगर आप यूएस में जॉब करना चाहते हैं तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टोटल चार तरीके होते हैं, एक होता है ग्रीन कार्ड, दूसरा होता है L1B वीज़ा, तीसरा होता है H1B वीज़ा और फोर्थ वन इज़ F1 वीज़ा। तो सब पे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं L1B वीज़ा के बारे में। तो L1B वीज़ा जो होता है, इसका मतलब होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी स्पेशलाइज नॉलेज, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता ही है कि जो ये बड़ी बड़ी MNCs हैं जिनके ब्रांचेज हैं, बेसिकली जिनका हेडक्वार्टर US में है और उनके ब्रांचेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया हो गया, लंदन हो गया, बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज में। तो अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए इनको इम्प्लॉयज चाहिए, जॉब वैकेंसी डेफिनेटली ये निकालती हैं, और उनको अगर US में इम्प्लॉय नहीं मिल पाता है तो सीधे वो US गवर्नमेंट के पास जाके बोलती है कि हमको इस प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लॉय नहीं मिल पा रहा है और वी नो कि जो हमारे दूसरे कंट्री में ब्रांचेज हैं वहाँ पे ऐसे इम्प्लॉयज़ हैं जो इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो US गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप उनको लेके आ जाओ इसके, और आपको हम और उन इम्प्लॉयज़ को हम इंट्रा कंपनी वीज़ा दे देंगे, विच इज़ L1B वीज़ा। L1B वीज़ा की लिमिटेशन ये होगी कि हम आपको वो 3 साल के लिए देंगे और आप अधिक से अधिक उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और सिंस वो आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो इम्प्लॉय जो है वो कंपनी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपनीज जो है वो फिर इंट्रा कंपनी, तो कंपनीज जो है वो फिर उनको इंटरनली हायर करती है, उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और फिर पूरा वीज़ा प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं, और पूरी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ प्रूफ करना होता है कि जो जो इम्प्लॉय दूसरी कंट्री में है उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है जो इस प्रोजेक्ट को कर सकता है, और ये नॉलेज जो है वो US में बहुत अनकॉमन है, ठीक है। तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है अटॉर्नी जो होता है वो बना के भेजता है US गवर्नमेंट को, फिर US गवर्नमेंट वेरीफाई करता है, और उनको अगर ज़रा सा भी डाउट लगता है तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर डाउट नहीं लगता है तो फिर पूरा प्रोसेस गो थ्रू करके स्टैंपिंग के साथ पूरा का पूरा आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, और एक बार वीज़ा लग गया तो फिर आप US में आते हैं और US में पहले दूसरे दिन के अंदर ही आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन USA, ठीक है। दूसरा बात करते हैं H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा में ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इम्प्लॉयज़ चाहिए, जैसे कि कैलिफोर्निया, सिलिकन वैली, वहाँ पे तो 1000 के आसपास कंपनीज हैं, ठीक है। तो उन सबको इम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो भी जॉब वैकेंसी निकालती हैं, और US में अगर उनको इम्प्लॉय नहीं मिल पाते हैं तो वो भी US गवर्नमेंट के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हमको इम्प्लॉयज़ चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब US गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, अगर आपको US में नहीं मिल पा रहे इम्प्लॉय तो आप इंटरनेशनल हायर कर लो, लेकिन हम इस केस में सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही देंगे, और ये फिक्स्ड है कि हम 65,000 H1B वीज़ा ही देंगे हर साल, ठीक है। तो आप हायर करो और उनका एप्लीकेशन हमको दो, हम एक लॉटरी निकालेंगे अप्रैल में, और लॉटरी में अगर आपका फिक उस एम्प्लॉय का नाम अगर पिक हो जाता है तो हम उस एम्प्लॉय को H1B वीज़ा दे देंगे, फिर आप उसको US में बुला के उनको उसको वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करके आप उसको फिर जॉब पे रख सकते हैं। तो ये H1B वीज़ा होता है। तो अभी तक तो पूरा का पूरा यही था कि सारी कंपनीज है वो इंटरनेशनल हायर करती हैं और उन सब के लिए H1B वीज़ा फाइल करती हैं। H1B वीज़ा फाइल आई थिंक फरवरी एंड तक होता है, मार्च में सारी प्रोसेसिंग होती है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिजल्ट अनाउंस होते हैं कि इस लोगों के H1B वीज़ा पिक हो गए हैं। तो ये इस सिस्टम में एक फ्लॉ है कि अगर मान लो किसी कंपनी को इम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए, बट आगे एक लॉटरी सिस्टम है और लॉटरी में नाम पिक होगा या नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता। तो
इसी तो बेसिकली किसी का होता है और किसी का नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड का बेसिकली दोनों को फेसबुक में ही हुआ था, तो एक का लॉटरी में पिक हो गया और एक का पिक नहीं हुआ। तो एक का जिसका पिक होगा वो फेसबुक में आ गया, और जिसका पिक नहीं हुआ वो नहीं आ पाया। तो ये होता है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली वो अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस सिस्टम में, तो अब जो रूल जो है वो चेंज ये होने जा रहा है कि H1B वीज़ा जब फाइल करते हैं तो उसमें इम्प्लॉय की सैलरी भी लिखते हैं कि कितनी हम सैलरी हाँ देंगे उसको। तो जो नया रूल प्रपोज हो रहा है उसका उसमें ये होगा कि पूरी एप्लीकेशन को सैलरी वाइज सॉर्ट करेंगे और टॉप के 65,000 लोगों को H1B वीज़ा डायरेक्ट दे देंगे। आई डोंट नो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, बट हाँ एटलीस्ट इस पर कम से कम डिस्कशन तो चल रहा है। ठीक है, ये H1B वीज़ा हो गया। H1B वीज़ा के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, एक स्पॉन्सर कंपनी चाहिए होती है जो जो आपके लिए फाइल सब करती है H1B वीज़ा में। लेकिन एक बेनिफिट है कि आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो H1B वीज़ा जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, मत वैलिड नहीं, 3 साल के लिए मिलता है और फिर आप उसको 3 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो टोटल 6 साल हो गया। ठीक है, और एक और फॉर्म होता है, अगर आपने PR के लिए अप्लाई कर रखा है परमानेंट रेजिडेंस के लिए और अगर आपको I-140 मिल जाता है तो फिर आप इसको हर साल एक्सटेंड कर सकते हैं 6 साल के बाद, बेसिकली फिर इंडेफिनिट टाइम के लिए हो जाता है ये। तीसरा जो ऑप्शन है वो है F1 वीज़ा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपके पास पैसे हैं, तो आप सीधे GRE दे के आप US की किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री बिल्कुल वही M.Tech की तरह हो गया। आप यहाँ पे आइए, अपना पूरा का पूरा पढ़ाई चल रहा होगा और फिर जो 4th सेमेस्टर होगा उसमें कंपनीज आएंगी, आपको प्लेसमेंट देंगी और फिर आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो आपको एक OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके एक क्लास है, उसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 3 साल के लिए काम कर सकते हैं। तो उस 3 साल में आप उस कंपनी के लिए काम करेंगे और फिर वो कंपनी आपके लिए H1B फाइल करेगी। तो अगर आपका 3 साल में H1B वीज़ा पिक हो गया तो फिर आप आगे और काम कर सकते हैं, वीज़ा पिक नहीं हुआ तो फिर 3 साल के बाद आपको इंडिया जाना होगा। ठीक है, और जो 4th वन है उसका मतलब है ग्रीन कार्ड। तो वो बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो जो ऑलरेडी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो सीधे सीधे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इंडिया में तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए आपको US में कम से कम 5-10 साल रहना पड़ता है, तब जाके आपको ग्रीन कार्ड अब आपको मिलता है। ठीक है, तो ये थे वो 4 तरीके जिससे आपको US में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल सकती है, और इसका आपकी एज से कुछ रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने स्कूलिंग साथ में किया, सेम स्कूल में थे, बट कॉलेज अलग था हम लोगों का। बीटेक हम लोगों ने 2016 में कंप्लीट किया और उसने सैमसंग में फिर बीटेक के बाद उसने जॉब किया, 2-3 साल जॉब किया, थोड़े पैसे सेव किए और फिर लास्ट ईयर US में आ गया मास्टर्स करने 2019 मिड में, और अभी वो कर रहा है मास्टर्स पेंसिल्वेनिया से। तो और मैंने यहाँ पे 30+ लोगों को भी देखा है जो मास्टर डिग्री 31-32 की एज में आके करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आके यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं, MS करते हैं और फिर यहाँ पे जॉब करते हैं। सो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है कि पता चले कि आप घर वर जमीन वमीन बेच के आप फिर US में पढ़ने आ रहे हो, ऐसा डिसीजन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से खुद ही देख सकते हो। और अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, तो अगर आप MNC में काम करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे US में आना है, और अगर आप MNC में काम नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उन कंपनीज को ढूंढ सकते हो जो इंटरनेशनल हायरिंग कर रही हैं और जो H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर रही हैं, और फिर उस कंपनी में आप इंटरव्यू देके अगर आप वो जॉब ऑफर देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए H1B वीज़ा फाइल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप US में आ सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो MNC में काम नहीं करते हैं तो आप इंडिया में ही किसी MNC में जॉब ऑफर लेके आप वहाँ काम कर सकते हैं और फिर कुछ दिन के बाद, फिर 1-2 साल के बाद वहाँ पे काम करने के बाद आप फिर US में ट्रांसफ़र ले सकते हैं एज अ L1B वीज़ा
सिंस यूएस में जॉब करना एक थोड़ा हाइप है इंडिया इंडिया में, तो बहुत से लोग जो है इसमें थोड़ा फ्रॉड भी करते हैं। तो कुछ एजेंट ऐसे हैं जो ऐसा आपको बोलेंगे कि हम आपको यूएस में जॉब दिला देंगे, हमारे बहुत अच्छे लिंक हैं, बट उसके लिए 15-20 लाख रुपए लगेंगे। तो इतना भी मतलब ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ जाना कि घर वर जमीन वमीन आप दे के पैसे उनको दो और इस उम्मीद में रहो कि वो आपको जॉब दें और पता चले कि वो पैसे लेके भाग जाए। ठीक है, ऐसे भी केसेस इंडिया में मतलब बहुत होते हैं, स्पेशली यूएस को लेके। ठीक है, तो ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, बेटर बी पेशेंट। अगर आप अपना और सिर्फ यूएस से ही आपको कंसिडर, जरूरी नहीं है कि आप करो, आप अच्छा खासा जॉब कनाडा में कर सकते हो, यूरोप में कर सकते हो, जर्मनी में कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो, हाउ टू गेट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इन यूएसए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ले सकते हैं। आगे चल के मैं एक लिस्ट कंपाइल करूंगा उन साइट्स के जहाँ पे सिलिकन वैली की कंपनी या फिर यूएस की कंपनी जो है वो अपनी वैकेंसीज डालती हैं, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल हायरिंग कर रही है कि नहीं, और वो आपके लिए H1B वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।